नमस्कार मो किचन को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आज मु सूजी आउ कदळी रो गोटे केक आपण मानको बनेकी देखेबी। एटा बहुत टेस्टी आउ बहुत स्पंजी। आपण माने एटा घरे थरे बनांतु आ बहुत हेल्दी भी। देखंतु एथरो मु गोटे पीस आपण मानको कट करके देखौची। एटा को बहुत टेस्ट आ बहुत हेल्दी। आपण माने एटा थरे घरे बनांतु। देखंतु केते स्पंजी देखा जाउची। खाइबा को भी बहुत यम्मी। जदि ये केक रेसीपीटी आपण मानक भल लगला तो मो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबे नी। आउ जदि पसंद लगला तो लाइक आउ शेयर करंतु। चलंतु ए केक रेसीपीटी को स्टार्ट करिबा। प्रथमे मु एठी दुईटी कदळी नै जाइछि ताकु चोपा छोड़े दबा आउ ताकु छोटो छोटो पीस रे काटि नबा। वर्तमान मु ए कटा कदळी गुडा को गोटे जार रे ग्राइंडर जार रे दे देबी। सेथिरे मु एबे ऐड करिबी 3/4 कप ऑफ चीनी। एठी मार्क करछि। आपण माने गोटा चीनी एठी यूज करि परिबे कारण एटाको आमे मिक्सी रे ग्राइंडिंग करिबा। एबे एथिरे 1/2 कप दही यूज करछि। फ्रेश दही नै छि मु। एठी 3/4 कप तेल किंबा मेल्टेड बटर आपण माने यूज करि परिबे। एबे एथिरे मु स्वाद बढ़ेबा को टिके लूण एथिरे ऐड करछि। ताकु एबे एबे कवर करके ताकु ग्राइंडिंग कर देबा। एबे तार गोटे पेस्ट बनई देबा। ताकु एठिके मु गोटे मिक्सिंग बाउल को बाहर करि नै छि। एबे आमे एथिरे गोटे कप सूजी ऐड करिबा। ताकु भल भाबरे मिक्स करि नबा। एबे एथिरे गोटे कप मैदा मु एठे ऐड करछि। आपण माने मैदा जगह रे एथि अट्टा भी ऐड करि परिबे। एबे गोटे टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करिबा आउ 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा हमर यूज करिबा। एबे इटा को भलो भाबरे मिक्स करि नबा। एबे हमर मिश्रणटा एठी गाढ़ा आइछि तेणु एबे हमर तार बैलेंसटा को मेंटेन करिबा पई आमे खीर एथरे ऐड करिबा धीरे धीरे करके। मु एठी गोटे कप क्षीर नहीं देखिकी क्षीर यूज करिबे। एबे आउ टिके क्षीर मु एठी ऐड कली आ भल भाबरे मिक्स करि नबा। ताकु भल भाबरे फेंटि न। एथिरे मु एबे किछि वैनिला एसेंस ऐड करिछि। एटा ऑप्शनल अछि। आपण माने ऐड करि परिबे किंबा एटा को स्किप भी करि परिबे। एबे भी टिके बहळे लागुचे तेणु आउ टिके खीर मु एबे ऐड करिबे। बैटरटा को एबे 10-15 मिनिट पर्यंत टिके फुलिबा को छाडी दबा। सुजीटा हमरा टिके फुलि जइबो ए समय भितरे। 10-15 मिनिट हे जाय छी। एबे एटा को प्लेट खोली के आमे देखिबा। देखंतु एबे पूरा टिके गाढ़ा हे जाय छी हमरो मिश्रणटा। परफेक्ट कंसिस्टेंसी आसी छी। देखंतु मु एबे एथरो खीर देखोजी आपण मानको केते यूज करिछि। सेई 4 भागरु गोटे भाग हमर खीर बंची जाइछि तेणु 3/4 कप ऑफ खीर भी बटरस्कॉच चिप्स मु नै छै। एठी आपण माने चोको चिप्स भी यूज करि परिबे। एटा भी ऑप्शनल अछि। आपण माने स्किप भी करि परिबे। देखंतु एठी गोटे मु पैन नै जाइछि। ताकु तेल रे एटा को ग्रीस कर नै छै भल भाबरे। ता उपरे गोटे बटर पेपर यूज कर दै छी। यदि बटर पेपर नै ताले आपण माने किछि मैदा एथरे छिंची कि करि परिबे। ता उपरे मध्ये टिके एमती तेल रे आउ टिके ग्रीस करि नेबे। तापरे एपे आमे हमरो जो केक टिन रे सब जो मिश्रणटा बने के रखि दिले सेटा को एबे दे देबा। टिके टैप टैप कर देबा आउ ता उपरे किछि बटर स्कॉच रो से जो चिप्स रखि दिले ताकु दे देबा सजेबा पई डेकोरेट करबा पई। आउ किछि एबे मु एटा आलमंड्स काटि के रखि छी ताकु एठी दे देबा। आपण माने काजू रे भी सजे परिबे किबा एमिति भी करि परिबे खाली रे। ता उपर एठी मु पाखरे किछि चोको स्प्रिंकलर थिला मु ताकु एठी ऐड करि नै छी। केक टा सुंदर देखा जीवा पई। एबे गोटे कड़े नहीं जाइए ताकु आगर मु गरम कर देथिली। ता उपर गोटे स्टैंड दे देथिली।
आउपर एवं आमर केक टिन टाक रखिदे आवर करने आक 40-50 मिनिट पर्यंत एमती भाव में सीम्रे आम बेक करनवा। देखु एवं आमर 40-50 मिनिट खंडे होगला ये चेक करनवा आमर केक् होना ये मुझे टूथपिक फोड़ी देखी थी देखो ये पूरा क्लीयर बाहरी आसी तो आमर केक् पूरा परफेक्ट हो जाए ऊपरटा के ब्राउन होते सुंदर भी देखा जा देखु केकटा को आबे मुझे छुरी रु चारिपट छड़े ने बाहर करे केक् टीन रु गोटे प्लेट को बाहर करनवा केकटा को आमर देखो यहाँ के स्पंजी हो तार पछपटर बटर पेपर टा ए बाहर करने देखता के स्पंजी हो आपण मैंने यटा को चा सांगे खाईपर बहुत टेस्ट लगे आपण मैंने घरे बनातु आमती लगे मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनातु आदि भल लगला तो मो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूल आदि भल लगला तो लाइक शेयर आउ कमेंट करने को भी भूल प्लीज रोचे मिसवा आउ गोटे नुआ रेसीपी सहित से पर्यंत बाय।